मध्य प्रदेश की सागर लोकसभा सीट अंतर्गत आने वाले सिरोंज में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सागर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा उर्फ चंद्रभूषण सिंह बुंदेला के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी व हिंदी माध्यम सभी कक्षाओं में फ्री एडमिशन सुविधा एवं संस्कृत बोर्ड से भी फॉर्म भरें तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। पता खुरई रोड भागोदय अस्पताल के पास सागर। जनसभा को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि 2014 में मोदी ने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और उन्होंने काला धन वापस लाने और किसान की आय बढ़ाने को लेकर बात कही थी, लेकिन यह सब बातें खोखली साबित हुई। वहीं जीतू पटवारी बोले कि कोरोना काल में जब लोग अपने परिवार की चिंता कर रहे थे और जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब नरेंद्र मोदी आप लोगों से ताली और थाली भिजवा रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के साथ सिर्फ छलावा किया है, उन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और लोगों को गुमराह किया है। इसके साथ ही और क्या कहा जीतू पटवारी ने, जरा आप भी सुनिए। कि मेरे पे 60 दिन का भरोसा कर, लोग लाइनों में लगे थे, अपना घर में रखा हुआ रुपए जमा कर रहे थे, लाइन में खड़े खड़े मर रहे थे, लोग एक एक रुपए के लिए तरस रहे थे। फिर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप उनमें 60 दिन का मुझे अवसर दो, अगर कोई कमी रहा मेरी नियत में तो जिस चौराहे पे आप खड़ा करोगे, जो सजा देंगे वो मैं भुगतने को तैयार हूँ। याद है आप लोगों को कि भूल गए आप ये बात? अरे याद है कि भूल गए? उन्होंने देश के सामने बहुत सी बातें कही। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि देश ने कितना भरोसा किया। परिजन मर रहे थे अपने कोविड में, अपना पिता मर रहा था, अपना भाई मर रहा था, अपनी माँ मर रही थी, अपने रिश्तेदार चले गए, दोस्त यार चले गए, और देश में नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपको ताली बजाना है तो लोगों ने ताली बजा दी, आपको थाली बजाना है तो लोगों ने थाली बजा दी, आपको लाइट जलाना है तो लोगों ने लाइट जला दी। साथियों का कल्पनी भरोसा, अपने परिजनों को खोने के साथ भी लोग ताली बजाते रहे और देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा करते रहे। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी नरेंद्र मोदी जी की स्थिति क्या है? 10 साल में नरेंद्र मोदी जी भाषण करते हैं तो कभी रोजगार की बात नहीं करते, 10 साल में नरेंद्र मोदी भाषण करते हैं तो कभी महंगाई की मामी आती है, 10 साल में अगर वो भाषण करते हो तो उनको मणिपुर का मामूंग नहीं आता। कैसा देश बना मणिपुर में, हमारी बहनें नंगी घुमाई कर रहेगी और हमारे देश का प्रधानमंत्री चूनू बोलता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस 10 साल में 84% किसानों को कर्जदार बना दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 82% बच्चे बेरोजगार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री 25 देशों में बांग्लादेश और पाकिस्तान और नेपाल से भी ज्यादा खाने पीने की महंगी चीजें मिलती है तो भारतवर्ष मिलती है, ऐसा देश बना दिया। साथी उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट मेरी लड़ाई है, न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, न मेरे कोई आगे है न मेरे कोई पीछे है। ये बातें याद है नरेंद्र मोदी की कि भूल गए आपको? याद है कि भूल गए? जब उन्होंने ये कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा तो 265 लोक आयुक्त ने छापे मारे मध्य प्रदेश में, उसमें से 50 बीजेपी के कार्यकर्ता और अधिकारियों पर से वापस मुकदमे ले लिए कि लोक आयुक्त ने जो किया था वही गलत किया था, ये करप्शन के अगेंस्ट बीजेपी की लड़ाई थी। अरे 141 लोगों पर ईडी और सीबीआई ने जांच की, करप्ट पाया, दोषी पाया, उनको जेल भेज दिया। सबको सबके खिलाफ नरेंद्र मोदी मुंह भर भर के भाषण देते थे। एक भी ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी में चला गया हो और उसको सजा हो गई हो तो एक भी नहीं मिलेगा। साथियों